नमस्कार विद्यार्थियों कैसे हैं आप आइए आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेज बायसल जाट पर स्वागत है विद्यार्थियों आज की जो मैं क्लास है प्रयास कार्य पुस्तिका गणित कक्षा चार एवं पाँच के अंतर्गत सत्र पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण हेतु सीखने का स्तर दो और इसके अंतर्गत हमारा कार्यपत्रक है सात आज की क्लास में हम कार्यपत्रक सात कॉल करेंगे जो पेज नंबर छसठ पर है आइए शुरू करते हैं कार्यपत्रक सात इसमें दक्षता है नन्यानवे तक की संख्याओं के स्थानीय मान को समझ सके एक से नन्यानवे तक ठीक है विद्यार्थियों पहला सवाल है पूछी गई संख्या लिखिए और उसको विस्तारित रूप में लिखिए जो हमें संख्या पूछी गई है उसे हमें लिखना है और उसका विस्तारित रूप लिखना है ठीक है विद्यार्थियों कहें दो अंकों की सबसे छोटी संख्या विद्यार्थियों नौ तक एक अंक होते हैं जैसे ही दस होते हैं दो अंक हो जाते हैं तो दस दो अंकों की सबसे छोटी संख्या है तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई दस इसका विस्तारित रूप क्या होगा देखिए इकाई है जीरो दाई है एक एक दाई यानी दस प्लस जीरो इकाई यानी जीरो तो इसका विस्तारित रूप होगा दस का दस प्लस जीरो ख है दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो विद्यार्थियों दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है निन्यानवे जैसे होता है तीन अंक हो जाते हैं तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है निन्यानवे अब निन्यानवे नौ इकाई नौ दाई नौ दाई यानी नब्बे प्लस नौ इकाई यानी नौ तो निन्यानवे का विस्तारित रूप होगा नब्बे प्लस नौ ठीक है विद्यार्थियों चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों अगला जो सवाल है दूसरा दी गई इकाई और दहाई से खाली बॉक्स में संख्या लिखिए। इकाई और दहाई से इस खाली बॉक्स में संख्या लिखनी है देखिए दो दहाई प्लस छः इकाई दो दहाई यानी बीस प्लस छब्बीस तो संख्या क्या बनेगी छब्बीस इसी प्रकार तीन दहाई प्लस दो इकाई तीन दहाई यानी तीस प्लस दो बत्तीस पांच दहाई नौ इकाई पांच दहाई यानी पचास प्लस नौ इकाई यानी उनसठ छह दहाई प्लस तीन इकाई छः दहाई यानी साठ प्लस तीन इकाई तिरसठ सात दहाई प्लस एक इकाई सात दहाई यानी सत्तर प्लस एक इकाई इकहत्तर अगला है ये चार दहाई प्लस आठ इकाई चार दहाई यानी चालीस प्लस आठ अड़तालीस अगला है आठ दहाई प्लस दो इकाई आठ दाई यानी अस्सी प्लस दो इकाई बयासी अगला है सात दहाई प्लस आठ इकाई सात दहाई यानी सत्तर प्लस आठ इकाई अठहत्तर अगला है नौ दहाई प्लस दो इकाई नौ दहाई यानी नब्बे प्लस दो इकाई यानी बानवे आठ इकाई अड़तीस ठीक है विद्यार्थियों ये हमने इकाई और दाई के इस अनुसार हमने संख्या लिखी चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों अगला जो सवाल है तीसरा बताइए कितनी दाही और कितनी इकाई है दाही को त्रिभुज में लिखिए और इकाई को आयत में लिखिए त्रिभुज को ऐसे दाही को इस त्रिभुज में लिखनी है और इकाई को इस प्रकार से आयत में लिखनी है इधर इकाई और यहाँ दाही कह है अब बताना है कितनी दाही और कितनी इकाई है तो इसमें देखिए बाईस में दो दाई दो इकाई तो यहाँ दो दाई यहाँ लिखा और दो इकाई इस तरफ लिखा इसी प्रकार अगला है ख चौंतीस इसमें तीन दाई चार इकाई तो यहाँ लिखेंगे तीन दाई चार इकाई है पैंतालीस इसमें चार दाई पाँच इकाई ये चार दाई पाँच इकाई अगला है घ छप्पन इसमें पाँच दाई छः इकाई तो पाँच दाई छ इला है अंग तिरसठ इसमें छः दाई तीन इकाई छः दाई तीन इकाई अगला है छ बहत्तर इसमें सात दाई दो इकाई सात दाई दो इकाई अगला है छख्या है अस्सी इसमें आठ दाई जीरो इकाई आठ दाई जीरो इकाई ज है सत्तासी आठ दाई सात इकाई आठ दाई सात इकाई अगला है ज संख्या है इट्ठानवे अगला है ज संख्या है अट्ठानवे नौ दाई आठ इकाई या नौ दाही आठ इकाई ठीक है विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने इकाई दाई लिखा तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने कार्यपत्रक सात को हल किया आप भी इस कार्यपत्रक को हल कीजिए विद्यार्थियों आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेज बायजार को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन और नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में तब तक के लिए थैंक यू धन्यवाद जय हिंद जय जै भारत आपका दिन शुभ रहे थैंक यू